शावर ले रही हो, ये बहाना बनाया मैंने उनसे, ये कैसे पता चला? माँ मैं पीछे के रास्ते से अपनी बालकनी में आई ताकि मैं ये सुन सकूं कि अंदर बातें क्या चल रही हैं। तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हाँ पता नहीं मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई। माँ अपनी बालकनी से मैंने सारी बातें सुन ली कि कैसे वो जिद कर रही थी। आपने उससे कहा कि मैं नहाने वॉशरूम में गई हूँ लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही, पर मैं जानती थी कि जब तक वो मुझसे मिलेगी नहीं तब तक वो घर से बाहर नहीं जाने वाली। माँ मैं अच्छे से जानती थी कि मेरा उसके सामने अंबिका बनकर आना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं अपनी बालकनी से आपकी बालकनी में गई और तुरंत वहाँ जाकर वॉशरूम में अपना मुंह धोया, अपने बाल गीले किए और ये नाइट सूट पहन के अपने कमरे में आ गई। आपको पता है माँ जल्दी जल्दी में मैंने अपनी साड़ी भी नहीं उतारी, ये देखिए। वो तो अच्छा है किसी को पता नहीं चला। लेकिन तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया, अपनी जान को दांव पे लगाया, तुम्हें इतनी हिम्मत इतनी बहादुरी आई कहाँ से बेटा? माँ एक बार तो अपनी जान लगभग मैं खो ही चुकी हूँ और वैसे भी आपने मुझे समझाया ना कि इंसाफ की लड़ाई में अपना सब कुछ दांव पर लगा देना होता है, तो लगा दिया है मैंने। और वैसे भी अब मेरे पास है ही क्या खोने के लिए, इस खेल में इतना आगे आकर अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकती। मैं एक बात अच्छे से जानती हूँ कि जीतूंगी तो मैं ही, उस निवेदिता को सबक मैं ही सिखाऊंगी किसी भी हाल में। और अब तो अंबे माँ भी है हमारे साथ, तो डरने की कोई बात ही नहीं है। दिन ब दिन तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारा साहस और बढ़ने लगा है, तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा स्ट्रांग निकली। मुझे अपनी बेटी पर आज बहुत ज्यादा नाज हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार मैं कमजोर नहीं पड़ी, आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमेशा मैं ऐसे ही स्ट्रांग बनी रहूँ। ये तो सारी अंबे माँ की कृपा है बेटा। और मेरे लिए अंबे माँ का रूप आप हो। मैं जानती हूँ कि जब तक आप मेरे साथ हो ना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका आशीर्वाद मुझ पर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, कभी मुझे छोड़कर मत जाना। मैंने कुछ नहीं किया, तुम मेरी बेटी हो और अपनी बेटी को सही रास्ता दिखाना एक माँ का फर्ज होता है। तुम बुराई के खिलाफ लड़ रही हो और अंबे माँ तुम्हारा हर कदम पर साथ दे रही। आज की बात ले लो, वो श्वेता ने तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दिया और तुम सही वक्त पर अपने घर पहुंच आई। ये सारी अंबे माँ की ही तो मेहरबानी है बेटा। और वैसे भी तुमने आज तीन बातें साबित कर दी है, एक कि तुम अंबिका हो और दूसरी ये कि अंबिका और देविका दोनों अलग अलग हैं, और तीसरी कि निवेदिता एकदम पागल है। अब तो वैसे उसे भी यकीन हो गया होगा कि तुम ही अंबिका हो, और ये बात सोच सोच कर उसका क्या हाल हो रहा होगा इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। रियली माँ मुझे यहाँ देखकर तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया था, उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हो कैसे सकता है कि मैं यहाँ भी हूँ और मैं वहाँ भी हूँ। और उसका ये हाल देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। और रवि ने भी उसे बहुत डांटा होगा, आई एम श्योर उन दोनों के बीच में लड़ाई भी हुई होगी। रवि उसकी इन सब हरकतों से बहुत शर्मिंदा हो रहा था। हाँ वो मैं अपने रूम में जाती हूँ, चेंज कर लेती हूँ। क्या हुआ बेटा, मोच आ गई क्या, दर्द हो रहा है? नहीं नहीं माँ ऐसी मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन ये चोट लगी कैसे बेटा? जब मैं पीछे के रास्ते से अपनी बालकनी में आ रही थी तो पैर कट गया, लेकिन आप टेंशन मत लो, हो जाएगा ठीक कल तक। ठीक है तुम अपने कमरे में जाके चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। कैसे कैसे मुश्किल काम कर गई मेरी बेटी, कितनी हिम्मत आ गई है इसमें। इतना दर्द हो रहा है लेकिन फिर भी अपनी माँ से छुपा रही है। खबरदार जो आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला, सच सच बताइए साक्षी के कमरे का दरवाजा किसने खोला था? मैं कुछ पूछ रही हूँ आप लोगों से, जवाब दीजिए किसने की है ये हरकत, टेल मी। अगर आप लोगों ने मुझे ज्यादा गुस्सा दिलाया ना तो मैं मारी कोई गलती थी जी, वो जी मैं तो वो जी मेरा पप्पी बाबा है ना, वो जी घंटों से मुझसे बड़ा दूर था तो वो रोने लग गया जी, तो मैं तो उसको चुप कराने कमरे में चली गई थी और जी वो दरवाजे के बाहर तो ये अकेली खड़ी हुई थी जी। वाह मम्मी जी अच्छे से झूठ बोल लेती हैं आप, ये झूठ बोल रही हैं, इनको नींद आ रही थी ये कमरे में चली गई और मैं अकेली यहाँ थी। इसका मतलब दरवाजा तुमने खोला? हाय हाय मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं दरवाजा खोलूंगी? ना जी ना मैंने अपनी जिम्मेदारी खूब निभाई है, देखो अभी भी डर के मारे मेरी टांगे कांप रही हैं और मुझे तो पता अंदर भूत है तो मैं क्यों दरवाजा खोलूंगी? तो फिर किसने खोला दरवाजा, कौन हो सकता है वो और कौन? ज्योति कहाँ है, कहाँ है ज्योति,
अगर उसने ये दरवाजा खोला है ना तो मैं उसे मार डालूंगी। I will kill her. ज्योति तो कल से छुट्टी पर है और जहां तक मेरा ख्याल है कल शाम को वापस लौटेगी, है ना मम्मी जी? वैसे मम्मी जी आपने ज्योति को छुट्टी दी थी ना? हाँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब वो भूत इस कमरे से बाहर भागा तो ज्योति इस घर में थी ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी निर्दोष इंसान को मार के आपके कलेजे को ठंडक पहुंचती है तो कल शाम को ज्योति आएगी, आप उसे मार देना। वैसे आप एक बात बताइए, आप ज्योति को किस तरीके से मारना पसंद करेंगे? बंदूक से, चाकू से, पंखे से लटका कर या किसी पहाड़ी से लेकर धक्का दे देंगी? वैसे मम्मी जी देवी का भी तो पहाड़ी से गिरकर मर गई थी और किसी ने उसकी मदद नहीं की थी, ठीक उसी तरह से ना हम भी ज्योति की बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे, पक्का प्रॉमिस। देविका की मौत का जिक्र कर दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया, कौन सा पार टूट गया है? और क्यों मैं देविका का नाम नहीं ले सकता निवेदिता के सामने? यार तुम फिर मेरी बात को बीच में से काट रही हो, तुम तो ऐसे बोलो जैसे देविका का मर्डर निवेदिता ने किया हो। नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि जब भी हम घर में देविका का नाम लेते हैं तो निवेदिता को कितना गुस्सा आता है और आजकल तो वो बेचारी खुद परेशान है, उसको देविका का भूत नजर आता है। अरे तो उसको जो देखना है वो देखे, मुझे जो बोलना है वो मैं बोल कर रहूंगा, मैं डरता थोड़ा तुम्हारी निवेदिता से, पागल हो यार तुम भी। तो डरना सीखो, ये जो तुम निवेदिता को ज्योति को मारने का तरीका बता रहे थे ना, किसी दिन तुम पे आजमाएगी और तुम्हें मार डालेगी। अच्छा सच्ची मेरी कसम मुझे वो मार डालेगी? हाँ निवेदिता मुझे मार डालेगी, मैं क्या चूड़े पहन के बैठा हूँ हाथ में? ये तुम सारी उसकी चमचे ना आजकल कुछ ज्यादा ही डरने लगी हो, तुम्हें पता है आजकल तुम्हारी उस निवेदिता का खुद का दिमाग खराब हुआ बैठा है, आधी पागल हो गई भूत के मारे, जब देखो तो कुछ ना कुछ बोलती रहती है। रवि मैंने उसको यहाँ देखा था, रवि वो यहाँ ही थी, रवि उसके हाथ में ना सैंडल था, नहीं सैंडल नहीं सॉरी कैंडल था, है ना? तुम्हारी निवेदिता खुद पागल हो गई, मुझे भी पागल करके छोड़ेगी, तुम सब भी पागल हो। आप पागल नहीं, मैं नहीं होने दूंगा, ऐसा कुछ भी होने दूंगा। आप एक काम किए, आइए आइए आराम से आइए, आप पागल नहीं, कुछ कुछ नहीं होगा आप, ओके बैठ बैठ। मेरे पास ही रहना, रहो मुझे छोड़ के मत जाना। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं सुतरा, आप आराम कीजिए, ओके आप एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए, मैं यहीं पर हूँ, प्लीज अपनी आंखें बंद कीजिए। वो देखो वहां बैठी हुई है, चलो उठो, उठो देखेगा। कहीं सच में पागल तो नहीं हो रही?
ठीक हो? तुमने कहीं चोट तो नहीं? नहीं नहीं, मुझे चोट नहीं लगी। अगर तुमने मुझे संभाला ना होता तो पक्का चोट आ जाती। इस पानी की वजह से पता नहीं कैसे पैर फिसल गया मेरा। तुम्हारा मतलब है पानी? इस पानी की ये मजाल, इसने तुम्हें गिराया, तुम्हारी क्या कर रहा तुम? पानी को मार रहे हो? हाँ तो ऑफ कोर्स तुम। पानी की गलती नहीं थी, मेरी गलती थी। मुझे देखकर चलना चाहिए था ना। नहीं बट प्लीज मुझे मत मारना। मैं कैसे मार सकता हूँ? क्या छोड़ो पा, तुम्हारा वो क्या है, वो क्या कहते हैं उसको, हेयर ड्राइर, आज मैं तुम्हारे बाल सुखाता हूँ। ओहो, तुम एक काम करो ना, हेयर ड्राइर दो, मैं तुम्हारे बाल सुखाऊंगा। ऑफ कोर्स। लास्ट वीक जब मैंने तुमसे कहा था कि हेयर ड्राइर खराब हो गया है, प्लीज जाकर रिपेयर करा दो, तब तुमने क्या कहा था? हाँ हाँ बाद में करा दूंगा, अब नहीं है ठीक। वो एक्चुअली जाएगी लास्ट वीक के लास्ट संडे को बोला था, आज मतलब होगी गलती, मतलब माफी चाहता, लेकिन मेरे पास आइडिया है। तुम बैठो बस। अभी क्या कर रहे हो? अरे बैठो तो सही, बैठने से बाल सूख जाएंगे। अरे तुम देख तो लो मैं क्या करने वाला हूँ। क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, ऐसे तुम्हारे बाल पकड़ूंगा, फूक मार के तुम्हारे बाल सुखाऊंगा। रवि तुम ऐसे मेरे सारे बाल सुखाने वाले हो? हाँ तो बुरी बात क्या है, मतलब बाल तो सुखाने, तो फूक से तुम देखते जाओ बस। आंटी क्या थे? तुम ही कह रहे थे कि तुम नहीं डरते। कुछ नहीं, वो एक्चुअली माँ है ना, तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो तो तुम रोज करती हो, आज मैं करता हूँ। खड़ी हो, मैं करता हूँ। क्या कर रहे हो? रुको तो सही है, सच में आंटी आ जाएंगी। अरे तो क्या हो गया, आ जाएंगी तो? मुझे पता है कि हम दोनों की शादी हुई है, मतलब अभी शादी हुई है तो क्या मतलब है? अरे तो चौके बाबा, अभी तुम ही कह रहे थे ना रिस्पेक्ट। हाँ तो ठीक है, वो जब आएंगे तब देखेंगे। ओके आई विल डू इट नाउ। पापा मैम सॉरी, वो तुम्हें लगी क्या? तेरे बाल कैसे हैं तुमने? रहने तो जाओ। अरे अच्छा बताओ कहाँ लगी? मुझे बताओ कहाँ लगी, कहाँ लगी? इधर। एक सेकंड मैं ठीक कर रहा हूँ, रुको तो सही। तुम कैसे ठीक करोगे? अरे रुको तो सही, मेरे पास मतलब मैं कर सकता हूँ ठीक। रुको एक सेकंड, क्या लगी है तुम्हें? हाँ इधर इधर। ये क्या कर रही हूँ मैं? मैंने उसे फोन कर दी, ये क्या हो गया मुझे? मैंने ऐसे कैसे उसे फोन कर दिया? क्या सोचेगा मैं उसको क्यों फोन कर रही हूं? अंबिका रायचंद का फोन, वो भी इतना सिमाई। मैंने क्या बहाना बनाऊंगी? इसे कैसे बताऊं कि इसे फोन अंबिका ने नहीं, देविका ने किया था? वो देविका जिसको अपने दिल पर कोई जोर नहीं, वो देविका जो सब कुछ जानने के बाद भी इसकी तरफ खिंची चली जाती है। तुमने सब खत्म कर दिया रवि, आज हम दोनों के बीच में दूरियां इतनी बढ़ गई है कि तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। पहाड़ी की जिस ऊंचाई से मैं गिरी थी, हद उससे भी कहीं ज्यादा तुम गिर चुके हो मेरी नजरों में। हम दोनों के बीच में जो विश्वास का रिश्ता था, वो डोरी तोड़ दी तुमने, सब खत्म कर दिया। अंबिका रायचंद जी, आप हेलो, आर यू देयर? हेलो मिस्टर करेवाल। हाँ मैं हूँ लाइन पर, बस मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि आपकी मंगेतर वो ठीक है ना? मतलब कल मैंने उनसे बहुत ज्यादा रूडली बात की, तो बस मैंने सोचा आपको फोन करके सॉरी कह दूं। मुझे इतनी बुरी तरीके से उन्हें अपने घर से बाहर धक्के मारकर नहीं निकालना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से वो बिहेव कर रही थी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी मॉम की उन्होंने इतनी बेइज्जती की। वैसे अब उनकी तबीयत ठीक है? हाँ बेका जी, वो अभी ठीक है, बन मेरा मतलब है कि बस थोड़ा सा आराम कर रही हैं। जो भी कल हुआ मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। बहुत शर्मिंदा हूँ, मतलब वो ऐसा होना नहीं चाहिए था। वो वैसे मैंने आपसे कल जो कुछ भी कहा था, आई होप उसे सीरियसली लेंगे आप। मुझे सच में लगता है कि आपके मंगेतर को साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। जल्द से जल्द अगर उसका इलाज नहीं करवाया आप लोगों ने, तो उसकी हालत और भी खराब हो जाएगी।
इसलिए ध्यान रखिए उसका और किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखा दीजिए। ओके बाय। हेलो, ये क्या कर रही थी तुम? उससे बात कर रही थी जो तुम्हारे दुश्मन का साथ दे रहा है। बेटा तुम्हें रवि को फोन करने की क्या जरूरत थी? माँ ऐसा कुछ नहीं है, वो आपने कहा है ना कि हमें निवेदिता के कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए, तो बस मुझे लगा कि अगर मैं रवि को फोन करके अपनी अच्छाई का यकीन दिलाती हूँ तो हमारा बदला लेना और आसान हो जाएगा। बस यही वजह थी? हाँ माँ बस यही वजह थी। ठीक है चलो, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, आके कर लो। ओके चेंज करना चाहती हूँ। मैं रेडी होकर आती हूँ। ये अंबिका रायचंद की आवाज बिल्कुल देविका की तरह है। क्यों इसकी आवाज सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि ये देविका ही? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये देविका नहीं अंबिका रायचंद है, लेकिन मेरा दिल क्यों नहीं मानता? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो देविका नहीं अंबिका रायचंद है, जबकि हर बात यही साबित करती है कि वो अंबिका ही है। फिर क्यों मेरा दिल उसे देखकर वैसे ही धड़कता है जैसे देविका के लिए धड़कता था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? अंबिका बेटा, बेटा देखो बुरा मत मानना, लेकिन जिस तरह से तुम रवि से बात कर रही थी ना फोन पर, वो सही नहीं था। मैं तुम्हें एक बार फिर से याद दिला दूं कि तुम यहाँ रवि से अपना बदला लेने आई हो, लेकिन मुझे साफ नजर आ रहा है बेटा कि तुम्हारा दिल पिघल रहा है उसके लिए। नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रही हैं। लेकिन तुम्हारी नजरें कुछ और कह रही हैं। माँ हूँ मैं तुम्हारी, मैं जानती हूँ कि रवि के प्यार को भुलाना बहुत मुश्किल हो रहा है ना तुम्हारे लिए, लेकिन संभल जाओ बेटा, पुराने घाव अभी भरे नहीं और तुम नए जख्मों को दावत दे रही हो। क्यों कर रही हो अपनी जिंदगी के साथ ऐसा? बेटा एक बार धोखा खा चुकी हो, फिर से उस दर्द से क्यों गुजरना चाहती हो? नहीं मैं इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार मैं कोई धोखा नहीं खाऊंगी, और आप भी है ना मेरे साथ, मेरी ताकत बनकर। तो फिर ठीक है, हमें आगे की तैयारी करनी होगी। वो कहते हैं ना कि जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। हमें जल्द से जल्द आगे की प्लानिंग करनी होगी। हाँ माँ, और मुझे लगता है कि हमें मिस लूथरा को और यकीन दिलाना पड़ेगा कि उसके पीछे देविका का भूत ही पड़ा है। और फिर अंबिका बनकर तुम उसे बचाओगी, जैसे उसने तुम्हारी बॉस बनकर दोस्ती का हाथ बढ़ाकर तुमसे तुम्हारी सारी खुशियां छीन ली, उसी तरह तुम उसकी कंपनी की इन्वेस्टर बनकर उसका विश्वास जीत लोगी, और फिर उसका घमंड, छल कपट, उसकी सारी उम्मीदें चकनाचूर कर दोगी। माँ बस आप मुझे बताइए हमें करना क्या है आगे? उसके हर जुल्म का हिसाब चुकाना होगा। क्यों ना हम निवेदिता को किडनैप कर लें? जैसे उसने तुम्हें तकलीफें दी हैं, वो सारी तकलीफें हम उसे दें। नहीं माँ, मेरी दुश्मनी सिर्फ निवेदिता से नहीं है, मंजू आंटी और रवि को भी सजा देनी है मुझे, और रवि तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। निवेदिता ने तो सिर्फ मुझसे मेरी प्रॉपर्टी छीनी, मेरा पति छीना, लेकिन रवि, रवि ने तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। उसने मेरा रिश्तों पर से विश्वास उठा दिया, मेरी शादी छीन ली मुझसे, और इसीलिए अब मैं उसे सजा दूंगी। माँ उसने सीधा मेरे दिल पर वार किया है। वो मैंने कारपेंटर को बुलाया था, शायद वो आया होगा। विनय जी मैम, जरा देखना जूस लोगे बेटा? छोटी मालकिन आपसे कोई मिलने आया। मुझसे? ठीक है अंदर भेज दो। जी नमस्ते। जी माफी चाहता हूँ आपको इतनी सुबह सुबह डिस्टर्ब किया। आप बैठिए मैं आती हूँ। जी